इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में एक जगह है जिसे हम इंडियाज मोस्ट प्रिविलेज्ड ओल्ड एज होम बोलते हैं, बाकी लोग उसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहते हैं, IIC। तो एक दफ़े हम लंच कर रहे थे, मेरी वाइफ और मैं और एक और दो और दोस्त थे, तो सामने वाली टेबल पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डॉक्टर माथुर, जो मिसेज इंदिरा गांधी के फैमिली डॉक्टर थे। व्हाट इज़ हिज फुल नेम? डॉक्टर के पी माथुर। सामने वाली टेबल पर वो आकर बैठ गए। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा देखा ये है IIC, बिल्कुल कोई हरकत भी नहीं हुई चारों तरफ, सब अपना अपना खाना खाने में बिजी हैं, कोई देख भी नहीं रहा उनकी तरफ कौन है ये लोग। लेकिन दूसरे ही पल मुझे ये भी महसूस हुआ कि सबकी ना मतलब ख्वाहिश है कि सोनिया उन्हें स्पॉट कर लें और हेलो विनोद कैसे हो, चिन्ना कैसी हो, है ये भी ख्वाहिश है। तो ये जो पावर है ये अपने आप में एक मिकनातीस है, ये एक चुंबक है। अच्छे से अच्छा आदमी, भले से भला आदमी, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला आदमी भी जब तक इस बात की प्रैक्टिस ना करे कि मुझे इस बात को मानकर चलना है कि ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर है और मेरे खर्चे पर है, ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि आपने समझ तो लिया कि एक योगा एक्सरसाइजेज होती हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज़ के रोज़ तब जाकर कुछ महारत आती है उसमें। साइकिल चलाने की तरह है ये तो, आप सीखते हैं गिरते हैं, सीखते हैं गिरते हैं, घुटने छिल जाते हैं, फिर अचानक आपको आ जाती है वो। तो ये जो एटीट्यूड है कि ये जो शख्स सामने है, चाहे वो पुलिस की वर्दी में है, चाहे वो सिविल सर्विसेज से है, चाहे वो चुनी हुई जमात से है, ये मेरा सेवक है, ये मेरे लिए बना है, मैं इसको पे कर रहा हूँ, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। गरीब से गरीब आदमी भी नमक की थैली खरीदता है, उसमें भी GST होता है। तो मुझे बदतमीज़ नहीं होना इसके साथ, लेकिन खामखा की वो श्रद्धा जिसे बोलते हैं ना रेवरेंस, वो भी नहीं दिखानी है। मेरे दिल में इज्जत होगी, मैं खड़ा हो जाऊँगा, नहीं होगी नहीं खड़ा होऊँगा। एक बात और है, हमारी दिक्कत यह है कि एक दफ़े हम वोट डाल देते हैं तो अगले 5 साल हमारे हाथ कट जाते हैं, हमारे पास कोई ऐसे फोरा नहीं है, कोई ऐसे मंच नहीं है जहां पर हम इन नेताओं को बुला सकें जो इलेक्शन से पहले हमारे पास आए थे वोट मांगते हुए। एक दफ़े जब ये जीत जाते हैं तो ये दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, मतलब ये एक ऐसे क्लब के मेम्बर हैं जिसमें वोट तो हमारे पास है, मेम्बरशिप इनके पास है। हम सोच नहीं सकते कि इनके बंगलों में हम जा सकें, भाई हमारे चुने हुए हैं क्यों नहीं। हम सोच नहीं सकते कि सरकारी जो दफ्तर है उसमें घुस के हम कोई सेक्रेटरी है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, जो भी है, हम उससे जाकर मिल सकें बराबरी के स्तर पर, हम नहीं सोच सकते। तो जब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा कि भाई ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारे मालिक नहीं हैं, हमारे आका नहीं हैं, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट चलती रहेगी। और अब तो जो मुझे लग रहा है आने वाले सालों में, ये जो एक खामोश चाल है, खामोश साजिश है नौजवान को मजबूर बनाने की, कि उसको तालीम भी ना मिले, उसकी जेब में पैसे भी ना हो, उसको छोटे मोटे काम करने पड़े जिंदा रहने के लिए, और नहीं तो ये आजकल ये कावड़ियों के पूरे हुजूम के हुजूम जा रहे हैं, अगर इनके पास नौकरियां होती, 7-7, 8-8 दिन लगते हैं इनको घर से चल के हरिद्वार पहुंचने में, अगर इनके पास नौकरियां होती, इनके पास कोई दफ्तर होता जाने को, कमाई का ज़रिया होता, क्या ये जाते हैं? बिल्कुल नहीं। मुफ्त खाना मिलता है रास्ते में, बर्म्यूडा मिल जाते हैं जिसकी एक तरफ एडिडास लिखा होता है, दूसरी तरफ बोल बम लिखा होता है, टी शर्ट मिल जाती है भगवा रंग की, स्टील की एक प्लेट, एक गिलास, एक चम्मच, और साथ में ट्रक चलता है जिस पर वो जिसे DJ बोलते हैं आजकल, वो DJ चल रहा होता है, ये इनकी पार्टी है। तो ये भी एक साजिश है कि इनको इसी में ही बिजी रखा जाए, खाना पीना दे दिया जाए, थोड़ी बहुत दिहाड़ी भी दे दी जाए, इसी में ही बिजी रहें ये सारे, ये सबसे बड़ी साजिश है। सन 47 के बाद अगर हम आज भी फख्र करते हैं
कि हमारे यहाँ कम से कम 35% एक ऐसी मिडिल क्लास बनी जो एजुकेटेड है, जो तालीम याफ्ता है, तो वो इस वजह से बनी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी, जामिया, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ IITs बनी, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बने, हर स्टेट कैपिटल में यूनिवर्सिटीज़ बनी, कॉलेजेस बने. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन राइट नाउ, बट द फैक्ट दैट पीपल हैड एक्सेस टू एजुकेशन, और वहाँ से इतने सारे लोग निकल कर आए. अब वो भी बंद किया जा रहा है. UGC ने जो ग्रांट्स हैं वो बहुत कम कर दी हैं, काट दी हैं. यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज करने का इरादा है इस वक्त, और जब प्राइवेटाइज होती है कोई यूनिवर्सिटी या कोई मेडिकल कॉलेज, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा तबका ऐसा है जो तालीम से महरूम रह जाएगा. मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन किया इन्होंने. इनका साल की फ़ीस जो इनकी थी कितनी थी, 250 रुपया साल. 250 रुपया साल देकर ये डॉक्टर बनी हैं. सालाना फ़ी 250 रुपया साल. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि खर्चा भी 250 रुपया आया ना, खर्चा हज़ारों में आया. इमारत है, लेबोरेटरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं. वो किसने दिया? वो तमिलनाडु के टैक्स पेयर ने दिया, पंजाब के टैक्स पेयर ने दिया, उड़ीसा के टैक्स पेयर ने दिया. दैट वॉज अ नेशंस कमिटमेंट टू एजुकेशन. सिमिलरली जब भाखड़ा डैम बना, दैट वॉज नेशंस कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर स्टेट. तो पंजाब ग्रेनरी कहलाया भारत की, और जो गेहूं वहाँ से पैदा हुआ वो डेफिसिट जोन जो हमारे हैं, जैसे उड़ीसा हुआ, जैसे बिहार हुआ, वहाँ पर भेजे गए. तो एक ये परिकल्पना थी भारत की कि नौजवानों को तालीम दी जाए ताकि एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास खड़ी हो. मैं पहली दफ़े पाकिस्तान गया था सन 2003 में, और जैसे ही हमने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद हम आगे गए लाहौर की तरफ, तो पाकिस्तानी रेंजर्स का पहले आता है, वो छावनी वगैरह जो उनकी पोस्ट थी वो आई. उसके बाद मैंने देखा रूरल पावर्टी एट इट्स वर्स्ट, जो गांव की गरीबी है वो हमारे यहाँ उड़ीसा और बिहार से भी बुरी दिखी मुझे, 2003 की बात है. और जब लाहौर पहुँचे, इस्लामाबाद गए, सबसे मिले, तो पता चला कि यहाँ पढ़ी लिखी मिडिल क्लास मुश्किल से 2% है, और जो अमीर हैं वो बहुत ही अमीर हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं. हमारे दोस्त हैं चौधरी एतजाज़ आसन, मिनिस्टर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में. मेरे सामने उनका तारुफ कराया गया कि चौधरी साहब वकील हैं बहुत बड़े और बहुत बड़े ज़मींदार हैं. इन्हों की ज़मीन चों 3 स्टेशन लगते हैं, मतलब इनकी ज़मीन में 3 रेलवे स्टेशन लगते हैं. तो इस तरह के बड़े बड़े ज़मींदार भी हैं वहाँ पर, जतोई फैमिली हो, एतजाज़ आसन हो, भुट्टो फैमिली हो, खर फैमिली हो. हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तो हमारा जो पूरा फोकस रहा वो एजुकेटेड मिडिल क्लास पर रहा. आज उसी को ख़तरा है कि वापस वहीं भेज दो जहाँ सन 47 से पहले थे. किसी एक सयाने ने मुझे बताया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि हमारे यहाँ 3 किस्म की ताकत हैं. एक तो पैसे की ताकत है, जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी अच्छी बीत जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है और वो वोट डालने नहीं जाता है. दूसरी ताकत तालीम की ताकत है. हम जैसे लोग, हम अपनी तालीम से अपने पैसे का इंतज़ाम करते हैं, अच्छी नौकरियां हों या अच्छे एंटरप्राइज हों, अपनी तालीम के हिसाब से वोट डालने हम भी नहीं जाते हैं. तीसरा शख्स जिसके पास ना पैसा है ना तालीम है, उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, वोट की ताकत. और जिस दिन वो ताकत उससे छीन ली गई या उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया, उसका गुस्सा देखने लायक होगा उस शख्स का, क्योंकि और कुछ है नहीं. मैं सिर्फ आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है सरकारों की, नेताओं की, और जिस बेशर्मी से अपनी मनमानी पर उतर आते हैं ये लोग, मनमर्जी पर, जैसा हमारे यहाँ इस वक्त हो रहा है, उससे लड़ने के लिए पहले तो ये ज़रूरत है कि हम अपना ही साजो सामान दुरुस्त करें, हमारा अपना एटीट्यूड ऐसा हो कि ये हमारे सेवक हैं. मेरा एक छोटा सा वीडियो आता है जनगण मन की बात नाम से, द वायर पर. मैं उसमें कभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता, मैं प्रधान सेवक कहता हूँ. इसकी 2 वजह हैं. एक तो ये है कि पंडित नेहरू ने, आप नेहरू म्यूज़ियम जाएँ या नेहरू लाइब्रेरी जाएँ, मेमोरियल लाइब्रेरी,
प्रथम सेवक लिखा हुआ था अपने बारे में, वो वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो प्रधान सेवक हैं उन्होंने खुद एक रैली में कहा था, मुझे प्रधानमंत्री मत कहिए, मुझे प्रधान सेवक कहिए। तुमने कहा चलिए इनकी बात मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, अभी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आज से इनको हम प्रधान सेवक ही बुलाएंगे। अब ये और बात है कि उन्होंने जो जो किया वो प्रधान सेवक एक मजाक बन गया, वरना मेरी कोई मंशा नहीं थी इसको मजाक बनाने की। प्रधान सेवक तो उन्होंने कहा है, उनकी जो ख्वाहिश है उसको ही हम पूरा कर रहे हैं। एक तो ये बात है कि बिल्कुल अंदर से तैयारी होगी हमारी, हम मान कर चलेंगे कि ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, खड़े होकर आँख में आँख डालकर बात कर पाएँ, ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस बात को समझ कर। वो कहते हैं ना कॉन्शियसनेस ऑफ फैक्ट इज नॉट नेसेसरली द नॉलेज ऑफ इट। लेकिन एक और भी कहा है T.S. Eliot ने कहा है, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन। पहले तो इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास कि हमें बराबरी से बात करनी है, फिर इसको हमने इंटरनलाइज किया, नॉलेज बन गया। अब हमने अपना एटीट्यूड बनाना है, उसको विजडम बनाना है और फिर उसको जीना है। ये ज़रा मुश्किल है क्योंकि हमें डर लग जाता है एकदम सामने कोई आ जाए, ताकतवर शख्स, सो कॉल्ड पावरफुल पर्सन। एक तो ये, दूसरे आप पाएंगे कि ये लोग जितने भी हैं इनको एक दफ़े आप कन्फ्रंट करो, एक दफ़े आप आमने सामने बात करो, तो ये तो खुद ब खुद जैसे ताश का महल होता है भरभरा कर गिर जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम अरुण शौरी है, आप सब जानते होंगे उनको। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था NDTV की निधि राजदान को, कहा था कि मौजूदा सरकार जो हमारी है वो 2.5 लोगों की सरकार है, हम 3 समझते थे कि जो तजुर्बेकार लोग हैं उनको तो बाहर फेंक दिया, चाहे वो LK अडवाणी हों, चाहे वो यशवंत सिन्हा हों, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, जसवंत सिंह तो तब भी बीमार थे, अब उनकी जैसी भी काबिलियत हो, वो भी कोई बहुत तो रहे हों ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको बाहर फेंक दिया। और जो काबिल लोग हैं उनको नज़दीक नहीं आने दिया गया। पूरी जो ताकत है, सत्ता है, सरकार है, 3 लोगों ने कब्जे में कर रखी थी, हमारा ये मानना था। अब आप कहें तो हम नाम ले देते हैं, वरना आप सब जानते हैं नाम भी क्या है, ठीक है ना। तो मेरी मुलाकात हुई शौर्य साहब हमारे पुराने दोस्त से, मैंने कहा भाई आपने निधि राजदान को कहा कि 2.5 लोग सरकार चला रहे, हम तो 3 मानते थे, ये आधा कौन है? तो बोले आधा अरुण जेटली हैं, तो बाकी 2 जो हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अभी 10 दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आया, उनको 2 किताबें चाहिए थी पंजाबी सूफियाना कलाम की देवनागरी में, तो उन्होंने कहा कहाँ से मिल सकती हैं। मैंने कहा वो भाई वीर सिंह साहित्य सदन है गोल मार्केट, तो दोबारा का दफ्तर वहीं है, मैं शाम को लेता आऊँगा, आप आए ऐसे आ जाइए ले लीजिए। तो आए, तो मैंने कहा भाई आपने तो ये 2.5 वाली बात कही, अब जेटली साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट वेल, कहते अब 2.25। तो मैंने कहा ये 2.25 कौन है? तो बोले 2.25 नरेंद्र मोदी हैं, मैं कोट कर रहा हूँ उनको और मैं सोर्स हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहते आज के दिन सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी प्रेसिडेंट है, एजेंसीज भी रिपोर्ट करती हैं उनको, लोग भी उनके पास जाते हैं, इनके लिए रैलियाँ हैं कि रैली एड्रेस कीजिए आप, बाकी जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो उनके पास हैं। अगर ऐसी हालत आ जाए कि 132 करोड़ के मुल्क में 2.25 लोगों की सरकार हो, इसके ज़िम्मेदार हम हैं।